हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। चलिए मैं इस टैंक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो इसमें से मैं दो तीन फिशेस ऐड किया हूँ, उसी के ऊपर आज वीडियो होगा। तो सबसे पहले उस फिश को बताता हूँ, दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम सब डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये छोटी सी ग्रीन टेरर है। तो एक ग्रीन टेरर मैं लेकर आया हूँ, तो कॉस्टिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। एक पीछे आप देख लीजिए, एक और फिश है, ये पैरट देखने ही नहीं देती है, वो रही। इसका नाम है रेड टेल शार्क, तो ये भी मैं ऐड किया हूँ। सबका प्राइसिंग के ऊपर हम बात करेंगे। और एक और है यहाँ पे, एक और सिकलेड है, इसका नाम है फायर माउथ सिकलेड। क्योंकि मेरी सिवरम और पैरेट वगैरह जो है ये बहुत पहचानती है, तो इस कारण से ये देख सकते हैं सब आ गई है अभी फूड लेने के लिए। तो इसमें मैं जो है ये वाला टैंक जो आप देख रहे हैं 4 फीट का, इस टैंक के बारे में मैं बात करूंगा। और बगल का भी 2 टैंक है, उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। और भी कुछ फिशेज मैं लेकर आया हूं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज मैं अपडेट दूंगा आपको। तो इस टैंक में मैं बनाऊंगा अफ्रीकन सिकलेट का टैंक। लेकिन ये सारे जो सिकलेट आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन सिकलेट नहीं है, ये अमेरिकन सिकलेट है। और जो 2 टैंक बचा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 टैंक जो आप देख रहे हैं, तो मैं शॉपकीपर वाले से बात किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को मिला लेता हूँ। क्योंकि ये 2 फीट लेंथ है और ये भी 2 फीट लेंथ की टैंक है, यानी टोटल हो जाएगी 2 और 2, 4 फीट। बस इसमें यही होगा कि दोनों जब ऐड कर देंगे तो बीच में लाइनिंग रहेगा, तो उससे मुझे नहीं लगता है कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें जो है ये जब 2 टैंक मर्ज हो जाएगा, तो इसमें मैं करूँगा अमेरिकन सिकलेट का सेटअप, जिसका कुछ क्वान्टिटी अभी मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें से अगर अमेरिकन सिकलेट की बात करें, तो ये 2 पेयर पैरेट फिशेज है। ये वैसे रिवर में नहीं पाई जाती है, पर इसको उसी कैटेगरी में रख लेते हैं हम सब। उसके अलावा एक ये अमेरिकन सिकलेट आ गया, फायर माउथ, ये देख सकते हैं। उसके अलावा एक और अमेरिकन सिकलेट है, ग्रीन टेरर, और उधर पीछे आप देख सकते हैं वो तो रेड टेल शार्क फिश है। एक ये वाली हो गई सिवरम फिशेज हमारी, शानदार सी। तो आप देख ही सकते हैं अब इसकी पैटर्न वगैरह तो ये पैटर्न वगैरह आ चुकी है इसमें, आप देख सकते हैं ये है सिवरम फिशेज। तो ये है पूरी 4 फीट की टैंक। तो इस वाले टैंक में, यानी जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें होगा अफ्रीकन सिकलेट का सेटअप। और इधर जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को जब मैं मर्ज कर दूंगा, तो इसमें करूंगा अमेरिकन सिकलेट का सेटअप, जिसका मैं कॉम्बिनेशन सोच के रखा हूं, जिसमें मैं पैरेट फिश, ये जो पैरेट फिश है ये 2 पेयर तो रहेगा ही। और आप देख सकते हैं वो दोनों ग्रुप बना ली है, पेयर है ये दोनों। हमको लगता है कि उधर एक लेक ही है आई थिंक, इसलिए उधर किसी को जाने नहीं दे रही है, वो टेरिटरी बना ली है, किसी को नहीं जाने देती है, तुरंत फाइट करती है। ये मेल है और उसके पीछे छोटी सी एक और फीमेल, इधर भी मेल फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये सिबरम सिंगल है हमारे पास, और 2 जो सिकलेट है इसमें, ये फायर माउथ सिकलेट और एक ग्रीन टेरर हमारी कहाँ गई, तो ग्रीन टेरर सिकलेट, ये तो हो गया आपका रेड टेल शार्क, ये रही ग्रीन टेरर। तो अभी टोटल 3-4 वेराइटी की मैं अमेरिकन सिकलेट ला चुका हूँ, पैरेट, सिबरम, ग्रीन टेरर, उसके अलावा फायर माउथ सिकलेट। अब जो इसमें नेक्स्ट आने वाला है, वो आने वाला है जैक डेम्सी, और जैगुआर सिकलेट आता है, वो भी अमेरिकन सिकलेट है। और फिर 2-3 वेराइटी और मैं ऐड करूँगा, ज़्यादा उतनी भी क्वांटिटी नहीं रखूँगा कि फिश ओवर क्राउडेड हो जाए और फाइटिंग शुरू हो जाए। तो फिलहाल सिंगल सिंगल ही रख रहा हूँ। तो ये ग्रीन टेरर की अगर कॉस्टिंग की बात करें, तो ये मुझे पड़ा है, ये उतनी बड़ी नहीं है, मतलब 2 से 2.5 इंचेस की होगी, ये मुझे पड़ा है 175 रुपीज़ में सिंगल ईच। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये भी पड़ा है मुझे 175 का ईच, ये फायर माउथ सिकलेट है। तो टोटल हो गया 2 मिला करके के आपका 175 आप ऐड कर लीजिए, 350 का ये पेयर है दोनों। इसके अलावा जो आप पीछे फिश देख रहे हैं, ये है रेड टेल शार्क फिश, ये सिंगल ही रखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटिंग करती है अगर बहुत क्वांटिटी में आप रखेंगे। इसकी कॉस्टिंग मात्र 40 रुपीज़ है, मात्र 40 रुपये की ये है। और इन दोनों के बारे में हमसे बात कर ही लिए। और क्या क्या अपडेट हुए हैं, तो ये तो हो गया 4 फीट का टैंक, जिसमें कुछ कुछ सिकलेट आ चुका है, जिसमें से आप देखिए ग्रीन टेरर देख लिए और फायर माउथ सिकलेट देख लिए। और ये हाइडिंग प्लेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्टोन यूज़ करता हूँ, उधर पैरेट है ही, ये ऊपर सिबरम है ही मेरी, तो ज़बरदस्त लग ही रही होगी आप सबको। इसके अलावा मैं ब्लू एंजल्स भी लेकर आया हूँ। तो ये रही प्लांटेड एक्वेरियम में ब्लू एंजल्स, ये 50 का ईच है, यानी 150 में मैं 3 पीस लेकर आया हूँ और 5 पीस का और मैं ऑर्डर देकर रखा हूँ। तो ये ब्लू एंजल्स है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये ब्लू एंजल्स हमें। एक मेरे पास बड़ी थी, पर उसे मैं इसमें जैसे ही ऐड किया फाइटिंग शुरू हो गई, ये देख सकते हैं 3री भी आ गई।
तो ये है मेरी अभी उतनी ज़्यादा अच्छी प्लांटेड टैंक नहीं है, पर जो भी है ये प्लांटेड टैंक है। और प्लांटेड टैंक में आपकी जो फिशेज है वो बहुत अच्छे से रहेगी, बहुत दिन तक रहेगी, खास करके एंजल फिशेज, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में एंजल फिशेज बहुत दिन तक रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये है ब्लू एंजल्स, तो ये 50 का ईच मुझे पड़ा है। एक और फिशेज मैं लेकर आया हूँ जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। ये वहाँ सुस्त थी तो मुझे शॉपकीपर वाले, चूँकि हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। तो ये है फ्लावर हॉर, और इसकी टैंक मैं कल जो है हीटर वगैरह सेटअप कर दूंगा। और ये जो आप स्टोन देख रहे हैं इसे मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती है फ्लावर हॉर्न में है। और ये जब से आई है बस ऐसे ही सो रही है, मतलब जब से आई है ऐसे ही सो रही है। आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये रही। तो इसका मैं लाइट वगैरह हीटर वगैरह दे करके मैं जल्द ही आपको इसका अपडेट देने वाला हूँ। तो ये अभी ये फ़िलहाल कुछ अपडेट था, जिसमें मैं ग्रीन टेरर, फायर माउथ सिकलेट, जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं लेकर आऊँगा, और ये रेड टेल शार्क फिश, ये मैं लेने वाला नहीं था पर मैं रख लिया कि आया हुआ है तो ले ही लेता हूँ। इसमें मैं और भी 2-3 वेराइटी की अमेरिकन सिकलेट में ऐड करूँगा, और आपको मैं फिर जब ऐड करूँगा तो दिखाऊँगा ही। एक सेपरेट वीडियो इन सब फिशेज के ऊपर बाद में आएगा, फिलहाल अपडेट था कुछ तो मैं सोचा कि दे ही देता हूँ। तो आपको कैसी लग रही है टैंक, और क्या इन दोनों टैंक को मैं मर्ज करके अमेरिकन सिकलेट का इसमें सेटअप कर दूँगा और अफ्रीकन सिकलेट का उसमें, ठीक है? तो आप बताइए, ये दोनों को मर्ज कर देता हूँ। और इन सब फिशेज को मैं हटाने वाला नहीं हूँ, ये वीडियो टेट्रा और टाइगर बाप का कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त, अगर आप रखना चाहते हैं तो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो टेट्रा के साथ कौन सी फिश कंफर्टेबली रहेगी, तो बेस्ट ऑप्शन है टाइगर बाप। टाइगर बाप और वीडियो टेट्रा बहुत अच्छे से रहती है, कोई भी इशू नहीं है। और ये जो टीम फॉयल है इसके साथ 2-3 वेराइटी किसी में भी फिश है। एक ये आपकी सिवरम फिशेज आप देख ही सक रहे हैं, इसमें एक पाकू फिशेज है, बहुत ही खूबसूरत पाकू फिशेज है, ये अल्बाइनो पाकू है। इसकी आईज देखेंगे तो ज़बरदस्त लगेगा आपको देखने में, ये देखिए शाइनिंग है, नीचे जो है रेड रेड फिन है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके लिए बड़ा टैंक चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, ये लगभग जो है 2 फीट के आसपास हो जाती है, और ये 2 फीट की टैंक ही है। तो इसे मैं अभी हटाने वाला नहीं हूँ, इसके लिए मैं अलग टैंक लाऊंगा बाद में ही, क्योंकि नीचे काफ़ी प्लेस है, नीचे छोटी मोटी टैंक है, तो उस सबको रिमूव मैं करने वाला हूँ कुछ दिन में। बहुत अपडेट आने बाकी है, अभी काम ही हो रहा है। तो फिलहाल तो ये 4 फीट, और मैं जो अभी आपको बोला इन दोनों को मर्ज करके फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपको कैसी लग रही है ये मेरी फिशेस ग्रीन टेरर, ये देख सकते हैं, जिसको नहीं पता है ग्रीन टेरर किसे बोलते हैं। तो ये रही आपकी ग्रीन टेरर, फाइटिंग बहुत होता है इस टैंक में। ये रहा फायर माउथ सिकलेट, बहुत खूबसूरत सिकलेट है, मुझे बहुत पसंद आई ये फायर माउथ सिकलेट। और फायर माउथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए उसके नीचे जो है रेड रेड है, तो इसलिए इसको फायर माउथ सिकलेट बोलते हैं। पीछे रेड टेल शार्क भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। ये हमारी प्यारी सी सिवरम। तो आपको कैसी लग रही है ये 4 फीट की टैंक, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अपडेट होता है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। तो देख सकते हैं फीड शानदार लेती है मेरी सारी फिशेज, फीडिंग का कोई इशू नहीं है इन सब फिशेज में, बहुत ज़बरदस्त लेती है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। देख सकते हैं ये फायर माउथ सिकलेट, इधर ग्रीन टेरर है, इधर आपकी पैरेट फिशेज है, इधर रेड टेल शार्क घूम रही है। तो चलिए फीडिंग भी आप सब देख ही लिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे अपडेट आने बाकी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।